आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन फोर द एनिमी क्लास ट्वेल्थ विस्टास बुक का पियरलेस बुक, उसके राइटर हैं डॉक्टर सदाओ होकी का मकान जापानी समुद्री तट पर बना हुआ था। उसके पिता उसके साथ कभी मजाक नहीं करते या खेलते नहीं थे। सदाओ जानता था कि उसके पिता की मुख्य चिंता उसकी शिक्षा थी, इसी के लिए 22 साल की आयु में उसने उसे शल्य चिकित्सा और औषधि का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा था। 30 साल की आयु में वहाँ से वापस आ गया था। इससे पहले कि उसके पिता का देहांत हो, उसने सदाओ को एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक बनते देखा था। सदाओ वहाँ से अमेरिका में लौटा है। उससे तब तक निश्चय हो गया कि वह एक जापानी है। उसका पिता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसमें अपनी नस्ली सुलता नहीं होती। सदाओ से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिला था। वे जापान में घर लौट आए। उनकी शादी पुराने जापानी ढंग से आयोजित की गई। वे पूर्ण रूप से खुश थे और उनके दो बच्चे थे। सदाओ और हना ने धुंध से किसी चीज़ को निकलते देखा। एक आदमी अपने हाथों और घुटनों पर रेंगता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर उन्होंने उसे अपने चेहरे के बल गिरते और वहां लेटते देखा। वह घायल था और रेत में निश्चल पड़ा था। वह एक स्वेत व्यक्ति था। उसकी निचली कमर के दाहिनी ओर सदाओ ने देखा कि बंदूक का एक घाव खुल गया था। उससे खून बह रहा था। उसने समुद्र की काई काफी लगा, परंतु वह अभी भी दोस्त था। उसने अंग्रेजी में कुछ शब्द केवल बुड़बुड़ाए। डॉक्टर सदाओ ने घोषणा की कि इन सभी के बावजूद वह व्यक्ति जीवित रहेगा। नवयुवक जाग गया। वह बहुत कमजोर था। उसकी नीली आंखें यह देखकर कि वह कहाँ हैं घबराई हुई थी। हना ने उसे ना डरने की संतावना दी। उसने उसे चैन दिलाया कि वह शीघ्र ही शक्तिशाली हो जाएगा। तीसरे दिन सदाओ ने घाव की जाँच पड़ताल की। टॉम ने पूछा कि वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। वह मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था। क्षण भर के लिए सदाओ ने उत्तर नहीं दिया। टॉम युद्ध बंद था। उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए था। नौकर प्रतिदिन और अधिक चौकन्ने होते गए। सदाओ चाहता था कि यदि कैदी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वह इसका रोज अभ्यास करे जब तक वह ताकतवर न हो जाए। उस आदमी ने उसका जीवन बचाने के लिए डॉक्टर का धन्यवाद किया। डॉक्टर ने उसे इतनी जल्दी धन्यवाद न देने की चेतावनी दी। सदाओ ने रोज ध्यानपूर्वक जख्म का निरीक्षण किया। आखिरी टाँके निकाले जा चुके थे। नवयुवक 15 दिन में ठीक हो जाएगा। 7वें दिन नौकर इकट्ठा होकर चले गए। हना डर गई, परंतु एक मालकिन होने के नाते अपना स्वाभिमान बनाए रखा। उसने उनका हिसाब चुकता कर दिया और जो भी उन्होंने उसके लिए किया और उसके लिए उनका धन्यवाद किया। वृद्ध जनरल बीमार था। वह जानता था कि उसका सदाओ के लिए बिना काम नहीं चल सकता है। वह नहीं चाहता था कि सदाओ को पकड़ लिया जाए। क्या होगा यदि उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है और अगले दिन उसका ऑपरेशन होना हो। वह दूसरे सर्जनों पर विश्वास नहीं करता था। जनरल ने एक योजना सौंपी। यह सब से बढ़िया बात होगी यदि अमेरिकन को चुपचाप मार दिया जाए। इसके अपने निजी कत्ल करने वाले थे। वह रात को उनमें से 2 आदमियों के उसके घर भेज सकता था। सदाओ ने माना कि यह बिल्कुल सामान्य होगा।
सदाओं ने जनरल की योजना के बारे में सोचा। सारी चीज़ें उसके हाथों से निकल सकती थी। उसने हना को कुछ भी नहीं बताया। अगली रात वह प्रतिथि की कक्ष में गया। उसने उस रात को अपनी किश्ती को तट पर भोजन और पालतू कपड़ों के साथ रखने की सोचा। वह अमेरिकन उस द्वीप से किश्ती में चलकर उस छोटे से द्वीप को जो तट से अधिक दूर नहीं था जा सकता था। उस द्वीप पर कोई नहीं रहता था। उसने टॉम को सभी जरूरी निर्देश दे दिए। यदि किसी कोरियन किश्ती को पकड़ने से पहले उसका भोजन साफ हो जाता है तो दो फ्रेसेस में सहारा दे सकता है। युवा अमेरिकन ने सदा उसके हाथों को गर्म जोशी से हिलाया और बाग के अंधेरे में गायब हो गया। सदाओ ने जनरल को सूचना दी कि युवा बचकर निकल गया। जनरल ने सदाओ को वायदा कर रखा था कि उसे मरवा देगा, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह अपने वायदे का सम्मान नहीं रख सका। सदाओ को अपना इनाम मिल गया। उसे कोई भी संकेत नहीं मिला। द्वीप पर कोई भी नहीं था। कैरी सुरक्षित रूप से चला गया था। सदाओ को याद आया कि उसे अमेरिका में रहने का स्थान ढूंढने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, क्योंकि वह एक जापानी था। अमेरिका के लोग दो देश से भरे हुए थे। देश मतलब होता है पश्चिमात। श्वेत लोग घृणाप्रद थे। वह एक बड़े चैन की बात थी कि अंततः वे उनसे खुले रूप से युद्ध पर थे। फिर उसे कैदी के कठोर चेहरे का ध्यान आया, सफ़ेद और घृणाप्रद विचित्र। उसने कहा, मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।